नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला तो विश्व कप में खेलने गई टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का सातवें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, आखिर हर किसी का सपना होता है विश्व कप में खेलना। लेकिन इस बार विश्व कप में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे एक खिलाड़ी की गलती ने विश्व कप की टीम तक पहुंचा दिया, और वो खिलाड़ी है विजय शंकर। तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने एक टॉक शो में इस बात का खुलासा किया कि कैसे टीम से बाहर होते होते आज उनका सफर विश्व कप टीम तक पहुंच गया है। दरअसल शंकर ने किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि रणजी ट्रॉफी के दौरान कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि टीम से निकालने तक की बात चल पड़ी थी। शंकर ने बताया कि कप्तान ने उन्हें एक और मौका दिया। बस ये मानिए कि ये मौका ही विजय शंकर के क्रिकेट करियर का टर्निंग पॉइंट था। हुआ यूं कि इस मैच में कप्तान ने मौका तो दिया, लेकिन विजय शंकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर 5 रन पर बोल्ड हो गए। लेकिन कहते हैं कि जब कुदरत मेहरबान होती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। शार्दुल ठाकुर ने जिस गेंद पर विजय शंकर को बोल्ड किया था वो नो बॉल हो गई। बस फिर क्या था, मौका मिलते ही विजय शंकर ने इस मैच में 95 रन ठोक दिए। फिर रणजी के हर मैच में विजय शंकर का बल्ला चल निकला, बल्ले से रन बरसने लगे। इसी प्रदर्शन की बदौलत विजय शंकर को इंडिया ए टीम में जगह मिली और फिर भारतीय टीम में खेलने का भी मौका मिला। भारतीय टीम में आने के बाद से विजय शंकर ने कुछ शानदार पारियां खेली जिसके आधार पर अब उन्हें विश्व कप में खेलने का मौका मिला है। तो इस तरह से केवल एक नो बॉल के बाद से विजय शंकर का मानो क्रिकेट करियर बदल गया।